कितना अच्छे में कितनी अच्छी बैक स्लिप मारता है और समर भी मारता है। आप देख सकते हैं ये दोनों मेरे बहुत ही अच्छे डॉग हैं। ये तीनों जब कभी मैं कैनल के अंदर आता हूँ तो ये दोनों मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं और मैं वैसे इस समय अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा गर्मियों का टाइम है, मई का महीना चल रहा है और आज डेट है 7 मई। और आप देख सकते हैं मैंने अपने डॉग के लिए यहाँ पर कैनल के अंदर एक कूलर का व्यवस्था किया है और देख सकते हैं यहाँ पर पंखे लगे हैं और देख सकते हैं अभी साफ़ सफाई हुई है। ये खेल रहे हैं ये मेरी रॉटवीलर खेलने के लिए तैयार है। ये मेरा जर्मन शेफर्ड, इसका नाम ब्लैकी है। ये मेरा रॉटवीलर, इसका नाम कैंडी है। ये हमारी डेजी है, लैब्राडोर। और बाकी जो हैं थोड़ा नीचे हैं डॉग्स हैं क्योंकि ये आपस में लड़ाई कर देते हैं। ये बहुत ही गंभीर लड़ाई करते हैं, देख सकते हैं। इससे मेरा खेलने के मूड में बनना है फिर से। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं, अब देख रहे हैं कितने अच्छे से। ऐसी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती, आप सभी लोग देख रहे हैं जो क्वालिटी रॉटवीलर की। ऐसा रॉटवीलर कहीं आज तक मैंने देखा नहीं है। तो मेरे पास ये पहला रॉटवीलर ऐसा बहुत ही खूबसूरत देखने में, मतलब मेल को भी फेल करते इतना अच्छा हमारे पास रॉटवीलर है। और ये हमारा सकते हैं ये सब चढ़ सकते हैं ज़्यादा। आप सभी लोग देख सकते हैं ये मेरे तीनों डॉग आपस में खेल रहे हैं और ऐसे डॉग देखने को नहीं मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ये तीनों फीमेल हैं। ये डेजी है और ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे ऐसे फैमिली डॉग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमारे ब्लैकी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब ये सब नहलाने वाले हो गए हैं, थोड़े गंदे हैं देख सकते हैं आपको। इसमें नाइट है, नाइट में थोड़ी इनकी चमक नहीं दिखाई दे रही होगी शायद, जब दिख रही है वैसे इतना क्लियर मैं दिखा नहीं पा रहा अपने फ़ोन से क्योंकि थोड़ा नहाए भी नहीं है। इनकी खूबसूरती आप देख पाए, ये हमारा रॉटवीलर जो है ये ब्लैकी यानी जर्मन के पीछे पीछे रहती है। जर्मन को इधर उधर जाने नहीं देता है, जर्मन है इसे बैठने नहीं देता और ये जर्मन को नहीं बैठने देता है। ये रॉटवीलर और जर्मन दोनों बहुत ही बेस्ट ब्रीड हैं खेलने कूदने के लिए। ये जितने अच्छे होते हैं और उतने ख़तरनाक होते हैं, एक रॉटवीलर और जर्मन। और पिटबुल तो हमारे पास है नहीं, उसे हम कुछ बता नहीं सकते कैसी क्या ब्रीड है। वो थोड़ा हमारे हिसाब से थोड़ा ख़तरनाक है, इसीलिए हमने अभी तक उसे परचेज नहीं किया है। वैसे आप लोग बताइए आपको किस डॉग पे वीडियो चाहिए अगली वीडियो। आपको जिस डॉग पर वीडियो चाहिए उस डॉग पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। देख सकते हैं अभी यहाँ पे पानी पी रही है, देखते हैं तीन हैं यहाँ पे, तीनों के लिए तीन अलग अलग बाल्टी हैं जो चाहे जिसमें पिए। यहाँ पे कूलर फैन चल रहा है यहाँ पर इनके लिए ताकि इनको गर्मी ना लगे। वो हमारा एक सेंट बर्नार्ड था, वो थोड़ा नीचे बंधा है, नहीं तो हम आपको उसको भी दिखाते हैं। अगर वो उसके लिए वहाँ पर नीचे थोड़ा ज़्यादा ठंडक के लिए व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इन्हें इन्वायरमेंट चाहिए ठंडा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरी भी की है और दीवारों को भी तर कर दिया है ताकि इनको रहने में यहाँ दिक्कत ना हो। और ये हमारा ये देख सकते हैं मेरे ऊपर चढ़ गई थी, चढ़ जाती है, देख सकते हैं, देख रहे हैं।